साहब, आपने एक बात बताई कि एजोस्पर्मिया जो होता है, इसका मतलब है कि मर्द के अंदर जसूमा जो है वो बिल्कुल नहीं है। एक तो इसकी वजूहात आप जो फरमा रही थी, फिर इसका इलाज क्या है? या है तो मैंने बताया कि कुछ का इंजेक्शन से ठीक हो जाता है, कुछ का मेडिकल प्रॉब्लम को ट्रीट करने से ठीक हो जाता है। जिनका इरिवर्सिबल फेलियर होता है, यानी टेस्टीज ही उनके डैमेज हैं, उनके ऊपर फिर हम करते हैं स्टेम सेल्स करते हैं। स्टेम सेल से मुराद है स्टेम सेल बेसिकली एक ऐसा सेल है, एक इतना इमेच्योर सेल है हमारी बॉडी का कि उसको जिस खाने जिस खुलिए में रखेंगे वो उसी वैसा बन जाएगा। क्या बात है, ये उसको हमने ढूंढना होता है। हम एक पेशेंट का ब्लड भी लेते हैं, उसके फैट सेल लेते हैं क्योंकि ये इजी है इनका रिट्रीवल। उसके बाद फिर इनको इनके स्टेम सेल आइसोलेट करते हैं। जब वो स्टेम सेल आइसोलेट हो जाते हैं तो फिर हमने एक यूनिवर्सल ग्राफ्ट रखा होता है। यूनिवर्सल ग्राफ्ट जो है ये वो बच्चों के जो आरएच नेगेटिव बच्चे होते हैं उनके, मतलब आरएच नेगेटिव से यानी जिनका ओ नेगेटिव ब्लड है, ठीक है, जिनका नेगेटिव ब्लड है उनके, क्योंकि उनमें ये एंटीबॉडीज नहीं होती जो किसी के साथ भी रिएक्शन करें, ठीक है, तो उनको उनका हमने स्टेम सेल उनके निकाल के रखे होते हैं। उनकी भी आगे कैटेगरीज होती हैं A1, A2, A3, फिर उसके साथ उनको मैच करते हैं, ग्राफ्ट लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल सेल है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना, उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक, और जो हमारा रिप्रोडक्टिव सेल है चाहे वो अंडा हो या स्पर्म हो, ठीक है, उसका नंबर है 23। तो अब इसको 23 के अंदर जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसको अंदर टेस्टिस के अंदर ट्रांसफर करते हैं, मैन्युअली फिजिकली इनके ट्रांसफर करते हैं जी, फिर ट्रांसफर करते हैं, बारीक सी नीडल होती है। और इसमें कितने परसेंट और सब चांस होते हैं कि रिप्रोडक्शन हो जाए? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओवरऑल जो हमारी स्टडीज हैं जितने लोगों पर हमने किया है उसमें 45-50% लोगों पर कामयाबी हो जाती है। लेकिन मैं चूँकि अब हम अपने पाकिस्तानी लोगों के ऊपर देख रहे हैं तो मैंने जो अभी तक देखी है मेरे ख्याल में इसकी रेशो जो है वो 35-40% हमारे यहाँ कम क्यों है? अच्छा, मुझे नहीं पता ओवरऑल का, अभी ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई। ये जो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे, यानी जिनमें अंडेदानी फेल हो गई है उनके ऊपर मुझे 50% रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन मर्दों के ऊपर 40% तक।